वर इनटू दिस प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग हो गया जी। किधर चले गए हो? गुम ही है। हाँ बस, फिर प्री क्वालिफिकेशन शॉर्टलिस्टिंग आ गई, उसके बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स देखने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, फिर ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है बिडिंग का कि बिड कैसे होगी, क्या सिचुएशन होगा, उसमें आपने टाइमिंग्स देने होते हैं, आपने प्लेस देनी होती है, फिर उसके बाद आपने उनके ऑब्जेक्शंस लेने होते हैं, लोगों को बताना होता है, एक किस्म की लेक्चर क्लास होती है बिडिंग। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस कि बिड होती है तो आप बिड के कहते हैं कि यार ये चीज़ है, ये प्रोजेक्ट है, ये उसकी मुझे क्वांटिफिकेशन है, ये इसकी क्वालिटी चाहिए, ये डिज़ाइन है, ये स्ट्रक्चर होएगा, आप कोई क्वेश्चन है तो आ जाओ, पीपल क्वेश्चन दम, और वो क्वेश्चन फिर नोट होते हैं, उसकी पूरी शीट बनती है। सब्सिक्वेंटली फिर आप इन्वाइट करते हैं बिड्स कि आपने आप समझ ली बात, नाउ यू पुट योर बिड्स। तो आप बिडिंग, बिड का कॉन्सेप्ट है ना कि व्हाट इज़ अ बिड, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बिड। महवेश क्या है बिड? ऑफर, ऑफर यानी ऑफर, 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 और फिर मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो बिडर है, वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, ऑफर कर रहा है कि जी आपने ये प्रोजेक्ट दे दिया, आपने उसको बता दिया ना सारा कि ये चीज़ें हैं, ये क्वांटिटी चाहिए, ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, अब आप ऑफर दो। वो ऑफर करता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब वो एक्सेप्टेंस का आपके पास राइट होता है। हाँ, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है बेसिकली, NIT उसको कहते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कहते हैं, कोई उसको प्री बिड कहते हैं, कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, कोई बिड इनविटेशन कहते हैं, डिफरेंट नाम है उसके। RFP तो वो है, RFP भी होता है। आए ना जी इस्लाम, क्या सर? नहीं सर, RFP जो होता है, नहीं RFP बेसिकली आप जो होते हैं ना मैनेजमेंट के, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट के, कंसल्टेंसी के मैनेजमेंट के, उसमें आप RFPs फिर करते हैं, उनमें आप RFPs करते हैं कि जी आप दे दें, आ जाएं, आपने बताया हमें क्या सीन है, हाउ टू गो अबाउट इट। तो वो हमारे पास जिस तरह ये सर्विस एरियाज हैं, जो अब तो कोई नहीं रहे, सारे ले गए हैं सर्विस। हाँ, अकला है ना, अकला इतना सा अकला, वो स्टेट ऑफ द आर्ट तो तुम लोग ले गए हो। तो वो उसमें उनकी मैनेजमेंट के लिए, टोल्स की मैनेजमेंट के लिए, तो उस पर फिर RFPs चलते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं, फिर इनविटेशन आ गई, और इनविटेशन के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैनेजमेंट आ गई। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आपने मॉडिफिकेशन होती है, थ्रू अमेंडमेंट्स होती है, और थ्रू कोरिजेंडम्स होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम? टू करेक्ट समथिंग। Addendum means to add something, ठीक है? And all these things are being done by way of amendment, ठीक है? EOI. इसमें कोई ऐसी और कोई EOI, EOT, extension of time, VO, variation order, dispute resolution आ गया। ठीक है, वेरिएशन ऑर्डर, जब वेरी करते हैं कुछ चीज़ें, रेट्स में फ़र्क आ जाएगा तो वेरी। EOT इज़ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, स्कोप बढ़ जाएगा कुछ चीज़, आपने कोई डिज़ाइन चेंज कर दिया है, कोई स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया है, मतलब पहले स्ट्रक्चर्स नहीं थे, सपोज आपने डिज़ाइन चेंज किया, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स आ गए, छोटे कुछ ब्रिजेस बनने शुरू हो गए, कलवर्ट आ गए उसमें, तो फिर आप ऐसी जगह पे VO डाल देते हैं कि यार VO करो, कि पहले ओरिजिनल डिज़ाइन में ये चीज़ें नहीं थी, ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस में ये चीज़ नहीं थी, ओरिजिनल बिड में नहीं थी ये चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद सारी इन चीज़ों की हायरार्की भी है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की हायरार्की भी होती है कि आपने पहले बिड डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देखने हैं, फिर स्पेसिफिकेशंस देखने हैं। बढ़ती है ना, स्पेसिफिक कर दे ना, स्पेसिफिक, मतलब अगर कोई भी ऐसा डिज़ाइन में कहीं फ़र्क आ गया, सपोज़ आपने एक स्ट्रेट जाना, एक आपके पास 25 किलोमीटर का सपोज़ एक पैकेज है, आपने स्ट्रेट जाना था, लेकिन वहाँ पे आगे कोई कब्रिस्तान आ गया, ठीक है जी, जो पहले नहीं आ सका किसी वजूहत पे, या कंसल्टेंट ने नहीं बता सका, डिज़ाइनर नहीं उसको ओवरलुक कर गया,
अब वो वहाँ पे राइटिंग हो गई, जो तुम्हें पता है रिलीजियस लोग हैं हम, तो कब्र ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिंदों से। तो वो हमने साइड से जाना है, तो वो साइड से उसको करने के लिए जब वो साइड उसने पकड़ी तो आगे कोई डिच आ गई, रवीन आ गई, खड़ा आ गया, ठीक है, कोई ऐसी जगह आ गई, तो जिस वजह से उसको स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ गए, कलवट बनाना पड़ गया, ब्रिजेस छोटा ब्रिज बनाना शुरू हो गया। तो ऐसे मौके पे फिर वो स्पेसिफिकली उस चीज़ के वो पैसे मांगता है, वो फिर वेरी करते हैं, फिर उसमें वेरिएशन ऑर्डर जारी होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर करता है, कंसल्टेंट उसको ऑथेंटिकेट करता है, तो दी इंजीनियर फिडिक में वो करता है, अदरवाइज कंसल्टेंट उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ जी। एक तो होता है सुपरवाइजरी कंसल्टेंट और एक आपका मेन कंसल्टेंट होता है। एक वो कंसल्टेंट होता है जो सिर्फ सुपरविजन कर रहा होता है, एक वो कंसल्टेंट होता है जो डे टू डे काम कर रहा होता है आपके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ऑन बिहाफ इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉयर। और एक उसके ऊपर सुपरवाइजरी कंसल्टेंट भी होता है कि वो सुपरविजन टोटल कर रहा होता है, आइदर वेज, बोथ वेज। तो हायरार्की ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जाता है। तो वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, उसी जितनी पावर है ना, आपने जितनी पावर जिसको कॉन्ट्रैक्ट में दे दी है वो तो आप नहीं करेगा ना, पर वो एक्सरसाइज करेगा, लेकिन बियॉन्ड जब भी जाएगा तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर इज द गाय हु इज फंडिंग द टोटल कॉन्ट्रैक्ट। जी 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 एज एन नन Yes. और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट बियॉन्ड दैट, नॉट आफ्टर दैट। अब हम ऐसे काम भी करते हैं कई दफ़ा, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने अब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक काम चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अब आप रोक नहीं सकते काम को, बिकॉज इट टेक्स टाइम, यू नो दीज थिंग्स टेक टाइम, दीज अमेंडमेंट्स, फिर उनके अप्रूवल्स, फिर वो सारी कहानी। तो आप कहते हैं यार इसको कर दो, वो वाला कॉन्सेप्ट ना कि प्रोजेक्ट है निकालो, चलने दो इसको, रोको मत। मतलब अगर रोकोगे तो फिर ईओटी भी होगा उसमें, एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी मांगेगा, फिर वो वेरिएशन भी है साथ, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के पैसे, आइडल चार्जेस मांगेगा। वो कहेगा जी मेरे तो मजदूर वहाँ पे 10 दिन से फारग बैठे हुए हैं, मेरी मशीन इतनी खड़ी हुई है, इतना लेबर मेरा चार्जेस है, मैं तो जेब से पैसे दे रहा हूँ, वो भी डालो बीच में। सो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इज विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देते इन जनरल, जब तक बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो जाए जिसके एम्प्लॉयर फंस रहा हो, एम्प्लॉयर की वजह से वो आपने रोका हो उसको, आइडल चार्जेस। आइडल चार्जेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्टर अपने पास हर वक्त जेब में रखता है, हर वक्त। ये तो मैं हंस रहा पीछे बैठा हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टर हर वक्त इस चक्कर में रहता है कि आइडल चार्जेस लूँ, बहाने बना बना के ना कि जी आज नींद बहुत आई हुई थी और ये हो गया, और आज वो जुलूस हो गया था जी, आज जलसा हो गया जी, राइटिंग हो गई है जी, 2 दिन छुट्टी थी जी, इलामा इकबाल डे था जी, ये हो गया, यू नो मेरे वजह, इस वजह से मैंने तो अपने प्रोजेक्ट में, मैं तो मोबिलाइज्ड हूँ, मैं तो ऑन साइट हूँ, मेरा सारी मशीन खड़ी है, मेरी लेबर खड़ी है, मेरी एक्सपर्टीज सारी खड़ी हुई है, मैं तो उनको पे कर ही जा रहा हूँ, तो आपकी वजह से ही हुआ है, धरना है, तुम्हारा क्लेम ही धरना है। हाँ, 120 मिलियन का क्लेम है धरने का, सिर्फ ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है इनका, 135 डेज, ये एक हाँ ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, और बाकी सोचोगे कि क्या क्या गेम चला रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये कि कांट हेल्प दोज थिंग्स। जी पेपरा थ्रू टेंडर हो, पेपरा जी निगोशिएटेड होते हैं वो, निगोशिएटेड जी। निगोशिएटेड होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, जिस तरह हमारे पास जिस तरह सपोज जो हार्ड एरियाज हैं बलोचिस्तान के, खारान वगैरह में, ये वो अभी हमारे पास खारान में 15 दिन पहले 4 बंदे उन्होंने मार दिए, डी बलोच, अशरफ डी बलोच एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, बड़ी अच्छी कंपनी है, और उसके 4 बंदे उन्होंने आके लेबर
को गोली मार दी और वो चले गए, तो उसने छोड़ दिया काम, प्रोजेक्ट खरान वाले रोड बना रहा था वो, उसने छोड़ दिया, उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता, मेरे लेबर स्केयर है इतना, या तो मुझे सिक्योरिटी। ऐसे मौके पे फिर आप निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट करके आर्मी को देने की कोशिश करते हैं, FWO को, वहाँ पे फिर हम तब FWO की इंपॉर्टेंस बन जाती है। लोग कहते हैं ना ये FWO फलाना है ढमकाना है, वो FWO फिर ऐसे मौके पे वो फिर गन्स ले के साथ काम करते हैं, मतलब कि व्हील भरो है पीछे गन लगी हुई है उसकी M16 चढ़ाई हुई है और व्हील भरो खींच रहा है, तो वो फिर वो भी देखते हैं कि यार वो भी देखते हैं यार ये बंदा ये मारेगा ना, वो रॉकेट लॉन्चर मारते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है ना बंदे को, और दरख्तों के साथ बांध बांध के मारते हैं। हाँ जेल बना दें, जो इस तरह के फरारी शरारी होते हैं उन सारों को हाजिर करते हैं। सो ऐसे मौके पे फिर निगोशिएटेड हो जाता है, फिर आप निगोशिएट कर लेते हैं और पेपर रूल्स, अदरवाइज कोई इशू ही नहीं है कोई। वाला दवा था कि हमारे जितने भी सी पैकेज जितने भी हुए हैं कंस्ट्रक्शन सारे निगोशिएटेड हैं, उसमें सारे हमने निगोशिएट किए हैं, कोई टेंडर नहीं किया, और सब में चाइनीज़ हैं, सब में चाइनीज़ हैं। लेकिन चाइनीज़ के साथ हमने एक ये थोड़ी सी लगा दी थी हल्की सी कि भाई जो भी चाइनीज़ आएगी कंपनी वो साथ ये भी बनाएगी पाकिस्तानी, ताकि वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो मैक्सिमम चाइनीज़ हैं, ऊपर चाइनीज़ काम कर रहे हैं, नीचे पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही होती है डिफरेंट पैकेजेस पे, मतलब कोई 4 किलोमीटर पे काम कर रहा है, कोई 5 पे कर रहा है, कोई किस पे कर रहा है, कोई अर्थ वर्क कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर्स कर रहा है, कोई सप्लाई का काम कर रहा है, कोई मटेरियल्स का काम कर रहा है, लेकिन हमने निगोशिएटेड होते हैं, पेपरा भी मानता है निगोशिएटेड को, लेकिन बात वो गन साहब अली है मेरे के हैव टू देयर शुड बी सम स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट कि जी वो या तो एक्सपर्टीज़ ऐसी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट इतना नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, जिस तरह वो कैविटॉल थी पिवाटो, पिवाटो एक कंपनी आई, उसने आगे कहा जी एक मैं नई टेक्नोलॉजी पेश करूंगा और मैं आपकी पेमेंट जो है उसको कुछ नहीं होगा इतने दिन, और कोई किसी किस्म की रटिंग नहीं होगी और कोई पॉट होल्स नहीं होगी, हाँ 2 साल की सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो और चक्कर है। तो वो पिवाटो एक ऐसी कंपनी आई, पेविटॉल उनका प्रोजेक्ट था, वो पेविटॉल कैटलिस्ट पेविटॉल, वो पेविटॉल उनके पास ही था फार्मूला, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था वो फार्मूला। अच्छा वो 6 महीने के कोर्स लगा गया है ना, इसलिए ज़्यादा मैंने गिली में चला गया, इटालियन बेसिकली इटालियन कंपनी, इटालियन कंपनी थी तो वो, लेकिन वो ऐसे मौके पे आप देर इज़ नो यू नो कम्पिटिटा कंपटीशन हो गई नहीं, टेंडर तो आप कर तब करते ना कि कंपटीशन हो। आपने थोड़ा लेक्चर शुरू में मिस किया, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पहले डाल दिए कि अपने क्वांटिटी क्वालिटी ये सारी चीज़ों को प्रोक्योरमेंट में देखना होता है, इकोनॉमी एक्सपर्टीज़ ये सारी चीज़ों को देख के तो आप प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एनी वेज वी गो फॉरवर्ड, यस प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट भी होता है कि जी आप इसको, और वो साथ हम मैक्सिमम ये कोशिश होती है, हर स्टेट की कोशिश होती है कि कोई जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपको ट्रांसफर करके जाए, वो ट्रांसफर करके जाए, ये नहीं कि अपने साथ ही टेक्नोलॉजी वापस ले गया है, लेकिन उसने हमें ट्रांसफर नहीं की, पिवाटो ने नहीं की, बिकॉज वो डिस्प्यूट आ गया हमारा, उनके साथ आर्बिट्रेशन आ गई है, अभी भी आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन ये कि कोशिश यही होती है कि आप उनसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओपन, आपकी एक्सपर्टीज देखी जाएगी ना, आप ओपन गया देखिए उसमें डिफरेंट तरीके मार्क्स भी हैं, दो उसमें काफी आगे आ रही हैं चीजें, ये इसका जवाब आ रहा है, उसमें 2 MLup होता है, सिंगल MLup होता है, ठीक है, फाइनेंशियल अलहदा बेड होती है, टेक्निकल अलहदा होती है, उसको देखा जाता है, ये जी डेफिनेटली आगे आ रहा है, होल्ड ऑन। एनीवेज आगे चलें जी आगे। अच्छा ये अब कहता है जी कि प्रेजेंट रेगुलेटरी बॉडीज और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, गवर्निंग लॉज रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, लोकल फंडिंग, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, जो मैं पेपरा की बात कर रहा था ये वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स है, PPRA ये रूल्स है, और इसके साथ एक्ट भी है, बेसिकली एक्ट है, एक्ट के नीचे रूल्स बनते हैं, वो बताया है सारी कहानी मैंने एक दफा पहले समझाई हुई है आपको कि एक्ट क्या होता है, और एक्ट इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जब 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई चीज़ लॉ पास करती है तो उसको एक्ट कहते हैं, दैट इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है, चलो जी रिलेवेंट
सेनेट एंड नेशनल असेंबली इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ये जवाब है इसका जी, इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट कहते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। मुकन्नना जवाब है, वो कानून उधर चले गए हैं, कानून जुडिशरी की तरफ है मुकन्नना। एनीवेज जो नेशनल असेंबली, जो आपकी नेशनल असेंबली यहाँ पे बैठी हुई है एमएनएस, और जो सेनेटर्स सेनेट, इन दोनों को मिला के आप पार्लियामेंट कहते हैं। तो हमेशा पार्लियामेंट में से बिल निकलता है, नेशनल असेंबली में बिल आता है, बिल एक बंदा कोई भी बिल कहता है कि जी ये कानून होना चाहिए कि जी ख्वातीन जो हैं बगैर पर्दे की ड्राइविंग नहीं करेंगी, तो एक बिल है, सपोज़ मैं बिल प्रपोज करता हूँ, एक बिल है जी ख्वातीन जो भी ख्वातीन ड्राइवर होगी वो पर्दा करेगी, ठीक है जी, उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द हाउस, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। और हाउस कौन सा हाउस, जितना सिटिंग हाउस है। अब सिटिंग हाउस जो होता है उसमें उन्होंने कुछ नंबर रखे हुए हैं, अगर इतने नंबर सपोज अगर 40 या 50 मेंबर्स हैं तो फिर तो हाउस कंप्लीट है, अगर 40 एंड 50 नहीं है तो वो खुद ही हाउस को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि जी इसको हम पोस्टपोन करते हैं और नेक्स्ट डेट है, कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है। तो इसलिए 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी सिटिंग, उसकी सिटिंग जो होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होता है, वो बिल पास होकर सेनेट में जाता है, स्पीकर जो है वो उसको सेनेट में भेजता है, सेनेट में फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, सेनेट वाले फिर उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करते हैं, ठीक है, और फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर साइन करता है, तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनता है। व्हेन एक्ट, व्हेन देयर इज नीड ऑफ सम लॉ टू बी enacted and the parliament is not in session, ठीक है, due to some reason parliament session में नहीं है और हमें एकदम बनाना है law, दम बनाना है, तो ऐसे मौके पे ordinance आता है, तो president order कर देता है, आप जो cabinet होती है वो propose करती है एक bill और वो bill जो है वो सीधा president के पास जाता है और president उसको sign करता है और वो law बन जाता है, उसको ordinance कहते हैं, वो 3 महीने के लिए होता है, सिर्फ 3 महीने के लिए होता है बेसिकली, फिर उसको 3 महीने के बाद पार्लियामेंट में लाना होता है वापस अगर रेगुलर बनाना है। प्रेसिडेंट की औकात नहीं है लेकिन यह कि ही कैन नॉट एज सच, वही यस ही कैन पावर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई इसमें दोबारा इसको रीहेयर करो, यस ही कैन डू दैट, रीहेयरिंग के लिए जा सकता है, लेकिन प्रेरोगेटिव नहीं है, कस्टम नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, बिकॉज एक कलेक्टिव थाट है 200 बंदे की, पीछे 400 बंदा नेशनल असेंबली का, 200 बंदा सेनेट का, उनकी कलेक्टिव थाट है, तो हाउ कैन वन पर्सन यू नो सोलो कैन से कि नहीं जी ये गलत है जी, हाँ मतलब ममनून हुसैन हो, सारे ममनून हुसैन है मना, हम खुद ममनून हुसैन है, कोई इशू नहीं है, हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा लिटरेट आदमी है, मस्किन तबीयत आदमी है, प्रेसिडेंट को मतलब ऐसे ही होना चाहिए ना, प्रेसिडेंट को यू डोंट हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव यू नो, कि प्रेसिडेंट हाँ शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी, शरीफ आदमी की जगह नहीं है ना इस मुल्क में, बस मसला ये है। एनीवेज वो प्रोक्योरमेंट हो गया, फिर पीसी स्टैंडर्ड्स बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो आपके साथ है बिल्कुल पड़ोस में, इसके बिल्कुल पड़ोसी हैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट पीसी वाले, ये इनके भी बिडिंग फॉर्मेट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है फॉर दिस बिडिंग, और इनकी इनको इनको स्टडी करना इट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। जब आप बिडिंग के लिए जाते हैं, प्रोक्योरमेंट जाते हैं, तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए होने चाहिए। शाह जी आपको ये था ना इंटरेस्ट इसमें प्रोक्योरमेंट में, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप गो थ्रू होने चाहिए, बर्ड्स आई व्यू मारें, मतलब इसको इस तरह बर्ड्स आई व्यू मीन्स कि बस इस तरह तेज तेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें जो चीज़ अच्छी है उसको नोट कर लें, उसमें 2-4 चीज़ें आपके काम की होती हैं, बाकी तो सारे प्रोसीजर्स होते हैं। फिर फॉरेन फंडिंग आ जाती है, फॉरेन फंडिंग में वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इनको MDBs भी कहते हैं, MDBs भी कहते हैं और DFIs भी कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, और MDBs मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये जो डेवलपमेंट के लिए आपको फंडिंग करते हैं, इनका वो ऑर्डिनरी बैंकिंग नहीं करते, दे आर नॉट यू नो ऑर्डिनरी बैंक्स, MDB, B for bat, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स, या DFI भी कह सकते हैं आपको, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनकी अपनी गाइडलाइंस होते हैं, इनके हर एक इनके अपने, इस्लामिक डेवलपमेंट के अपने गाइडलाइंस हैं, उनकी अपनी प्रोक्योरमेंट के तरीके हैं, ADB के अपने प्रोक्योरमेंट के तरीके हैं, इसी तरह मतलब वर्ल्ड बैंक के अपने टोटली डिफरेंट अपनी गेम चलाते हैं वो, और उसमें हर चीज़, हर एक्ट, हर प्रोसीजर करने से पहले आपको परमिशन अप्रूवल लेना पड़ता है उनसे, वो तो इतने स्ट्रिंजेंट हैं और इतने स्ट्रिक्ट उनके रूल्स हैं कि वो तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होगा वर्ल्ड बैंक के
प्रोजेक्ट्स में आप किसी किस्म की डंडी मार जाएं। हम हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, प्रोग्रेस रिव्यू तो है लेकिन अलग चीज़ है, हर चीज़ का अप्रूवल लेते हैं जी, प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल हर चीज़ को जी स्क्रूटिनाइज करते हैं उसी लेवल पे। जी जी हाँ जी ठीक है। यस यस वो आपको वो बेसिकली इस तरह होता है, आप उन्हें कहते हैं वो आपको कई दफा बताते हैं, ये जो मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक्स हैं देखिए इनका तो बिजनेस ही है ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारे जैसों के वो पकड़ते हैं, अमेरिका में तो नहीं जाते ना वो जाके, मतलब फ्रांस में तो ये काम नहीं करते, ये तो हमारे जैसे जिम्बाब्वे हो गया, हम हो गया, निकारागुआ हो गया, इस तरह के श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये छोटे मोटे भूटान शूटान नेपाल इधर घुसे हुए हैं ये सारे, इन्होंने बिजनेस करना है, इन्होंने बिजनेस करना है, ये आपको खुद पॉइंट आउट करते हैं कि जी आपका वाटर फिल्ट्रेशन का इशू है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है आपके पास, आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फार्म टू मार्केट रोड नहीं है, आपके पास हाइड्रो इशू है, पानी बिजली नहीं बन रही आपके पास, आपके पास रिजर्वायर्स नहीं है, ये खुद पॉइंट आउट करते हैं, फिर गवर्नमेंट उसको देखती है, गवर्नमेंट उसको देखती है थ्रू इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ईएडी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, उसको देखती है जांचती है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इज अ डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीचे उसके फाइनेंस के नीचे काम करती है लेकिन एक सेपरेट एंटिटी है उसकी अपनी फॉरेन फंडिंग की जितनी भी है वो ईएडी करती है, तो वो ईएडी उसको फिर जांचती है अपने तौर पर, फिर वो डिस्कस करती है अपनी गवर्नमेंट के साथ स्टेट के साथ, स्टेट अगर इंटरेस्ट शो करती है तो देन यू स्टार्ट निगोशिएटिंग। हाँ जी सारा कुछ ईएडी करती है ऑन बिहाफ इंस्टेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और विंग या अथॉरिटी, कोई भी अगर वापडा के साथ काम कर रही है, एनएचए के साथ काम कर रही है, ये अथॉरिटीज हैं सिविल एविएशन के साथ काम कर रही है या किसी सिविक के उसके साथ काम कर रही है, एजेंसी के साथ काम कर रही है जो वाटर फिल्ट्रेशन है या सीवेज वाला इशू है, तो इन सारों के साथ वो फिर ऑन बिहाफ इंस्टेड ईएडी काम करती है और वो निगोशिएट करती है और सारी, और फिर वो फॉलो भी करवाती है आपसे, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो भी करवाती है। अच्छा जी नहीं नहीं होता ये सर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 6-7 सालों में, पहले हम कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और बीच में जब फंड्स का इशू आता है तो हम जो है उसको इनवाइट करते हैं, वहाँ पर हमें बड़ा प्रॉब्लम आती है कि वो फिर कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स आप फॉलो करें, हाँ किया हुआ होता है, ये बड़ा इशू है ना, गैप आ जाता है और जिसकी वजह से आपका स्लो हो जाता है, ये बुरा एंगल है ना, दिस इज अ बैड एंगल। दरअसल इस तरह था, ऐसे होता है कि हर जो भी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसका हर एक अपना एक स्टांस होता है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी एमडीबीज को इन्वॉल्व करो, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो कहती थी नहीं चाहिए हमें एमडीबीज, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए नहीं है, हम खुद जनरेट करेंगे अपना पैसा, जो हम कर सकेंगे प्रोजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट, हमारी टेल के ऊपर हर वक्त IMF बैठा हो, अभी डोंट वॉन्ट दैट, वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसी स्टेट ऐसी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं कि जिन्होंने कहा दे रिफ्यूज्ड टोटली आउटसाइड, उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई पैसे अपने ले जाओ वापस, मतलब ये हालत हो गई थी कि यहाँ से ADB वगैरह के दफ्तर बंद होना शुरू हो गए थे, उन्होंने कहा यार बंद पैसे कोई नहीं ले रहा हमसे, एक ऐसा ज़माना भी था, फिर एक ऐसा ज़माना आया कि आपने हर प्रोजेक्ट में उनको डाल दिया, क्योंकि उनका तो काम बिजनेस है ना उनका, उनको जब लोन देंगे तो उनका बैंक चलेगा, तो ये वाला सारा सीन है। एनीवेज अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, अब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें कंप्राइज करता है, इनविटेशन फॉर बिड्स सबसे पहले जो इनविटेशन आई है, फिर इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, आपने बड़े उसको गौर से देख के पढ़ना होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर द बिड डाटा शीट, जो बिड आप दे रहे हैं उसकी डाटा शीट है, फिर जनरल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए थॉरो, एक एक आपने क्लॉज पढ़ी हो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का काम है ना, ये सारा काम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का, यस, और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आपने पढ़नी है, जो SPs होते हैं स्पेशल कंडीशंस होती हैं,
अच्छा जी, स्पेशल प्रोविजंस भी कहते हैं उनको, स्पेशल कंडीशंस भी कहते हैं। फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बिडिंग फॉर्म्स, ड्राइंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर ने करनी है, नॉट ऑन हिज ओन स्टेड, नॉट इज ऑन हिज ओन, इन फैक्ट लाइक थ्रू पीपल यू नो द एक्सपर्ट्स, लेकिन मैनेज उसने करनी है। ही इज द फोकल पर्सन, ही इज द फोकल पॉइंट, और उसने टेक्निकल बिल्ड इधर जा रही है, ड्राइंग उधर जा रहा है, डिज़ाइन वाले के पास जा रही है, टेक्निकल इंजीनियर्स के पास जा रही है, फाइनेंशियल के पास फाइनेंस वाली जा रही है, बिल्डिंग हर चीज़ की बिल्ड कर रहे हैं ना आप, उसमें हर चीज़ पैसा भी इन्वॉल्व है, और ये वो दूसरा तीसरा। ये मेरी सफ़ेद जुरामों पर ना जाना, मैं आज गेम खेलने जा रहा था तो मैं इसलिए सफ़ेद पहन के आ गया हूँ, हैरान ना होना कि सफ़ेद जुरामे क्यों पहना है, नहीं शूज़ वो दूसरे गाड़ी में पड़े हुए थे जो नहीं आ सके। एनीवेज नेक्स्ट, डोनर एजेंसीज बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी यही है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, हार्मोनाइज एडिशन इनका 2006 का रिवाइज हुआ हुआ है, इनका अप्रैल में भी रिवाइज हुआ है, जून में भी हुआ है 2010 में, और फिर ये बेसिकली जो हार्मोनाइज एडिशन होता है वो बेस्ड फिडिक पे ही होता है, ठीक है, उसको कोपा कहते हैं, कभी कोपा है कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये हार्मोनाइज, वो अपना हार्मोनाइज, हार्मोनाइज मीन्स कि बेसिकली वो टेलर करते हैं, हार्मोनाइज मीन्स टू टेलर इट, तो अपने तौर पे उसको टेलर कर देते हैं, अपनी प्रोविजंस गाइडलाइंस फिडिक के अंदर डाल देते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ निकल आती है सर, तो इसलिए वो एक हार्मोनाइज्ड, ये डोनर एजेंसीज की वजह से इनके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इसलिए थोड़े डिफरेंट होते हैं। आइस केस ने जिक्र किया हुआ है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे तरफ नहीं चलता ज़्यादा, बिकॉज यू के साथ हमारा कोई भी एज सच प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जिसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो, लेकिन येट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, फिर न्यू इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है यूके का, ये वो चीज़ें हैं जिनके फॉर्मेट्स हैं, ये आपको फॉर्मेट्स देते हैं बिडिंग के, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो NECA है या आइस है या NA, हाँ आप रेफर कर सकते, रेफरल ले सकते हैं, आप उसे रेफरेंस ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं क्रॉस, अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अपने बिडिंग अगर आपने बनाना है, अगर आपको अथॉरिटी दे देती है, आपको कहती है एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर के बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाओ, तो यू हैव टू कंसल्ट समथिंग ना, आपको कोई नाजर नहीं होनी, मतलब और किसी को भी वही नाजल नहीं होनी, सो यू हैव टू सीक सम रेफरेंस, सम रेफरल, तो वो रेफरल के तौर पे आप आइस, एना, ये नेक, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आगे चलो जी, प्रोक्योरमेंट मेथड्स, जी पेपरा रूल्स आ गए जी, अब इसमें जो मोटे मोटे रूल्स हैं वो उठा लिए पेपरा के, जो आपके कंसर्निंग होंगे, अब कहते हैं रूल 20 है जी कि प्रिंसिपल मैथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज शैल, shall is mandatory, wherever there is a shall it is mandatory, it has to be done, where it is may to may is your discretionary option hai, wo discretion ho jati hai aapki, kare ya na kare, shall means the shall use open competitive bidding, shahji the procuring agency shall use open competitive bidding as the principal method for procurement of the procurement of goods, services and works. अब goods, services, works में सारा कुछ cover हो जाता है, कि आप सर्विस लेनी है, कंसल्टेंसी, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, goods लेनी है, material जिसमें आ जाता है, bitumen लेना है आपने, cement लेना है, steel लेना है, bricks लेनी है, whatever, वो और उसमें और works, construction, construction की expertise लेनी है आपने, तो वो ये सारी चीज़ें इसके आ जाती है, तो ये क्या है, इट शेल यूज ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, जितनी भी procuring agencies हैं उनको ओपन कंपटीटिव बिडिंग करनी है। रूल 21 कहता है ओपन कंपटीटिव बिडिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 22 टू 37 द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल एंगेज इन ओपन कंपटीटिव बिडिंग इफ द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोक्योर्ड इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट इट इज विन द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग यू नो जनरल उसने दिया ऑब्जेक्ट टू बी प्रोक्योर्ड इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट विच इज एप्लीकेबल अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ द रूल 42 तो ऐसे मौके पे क्या होगा ओपन कंपिटिटिव बिडिंग में जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि शेल एंगेज इन ओपन कंपिटिटिव बिडिंग इफ द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोक्योर्ड इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट विच इज एप्लीकेबल अंडर क्लॉज 40 क्लॉज 1-2 मेरे पास प्रोक्योरमेंट वाला वो नहीं है 25,000 से जो भी ऊपर होएगा लिमिट्स आप अच्छा ये मेरे
5 तक आप खुद कर सकते हैं, कोटेशन कर सकते हैं, कोटेशन सिस्टम होता है ना। अदरवाइज इस तरह होता है कि अभी सपोज मैंने गाड़ी के टायर चेंज करने थे तो वो तकरीबन 1,00,000 रुपए के आ रहे थे। अब 1,00,000 रुपए तक हमारी इन हाउस कमेटी है, उसमें अब कोटेशन डाल देते हैं, 4 लोगों से आपने वो लिए कोटेशन ली और जो भी लोएस्ट है उसको दे दिया और डन हो गया। यू नो ये कोटेशन सिस्टम है, अब एजेंसी है, प्रोक्योर ही कर रहे हैं हम, बाजार से ही लेंगे, मार्केट से लेंगे, खुद नहीं खरीद सकते, रेट्स लेंगे, इसको कोटेशन कहते हैं। जब इससे बियॉन्ड हो जाएगा, सपोज 1,00,000 से ऊपर चला जाती है बात, 5,00,000 पे चली जाती है बात, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आ जाएंगे, फिर आप टेंडर करेंगे उसको और फिर उसमें कंपटीशन लेंगे, फिर कोटेशन निकल जाएगा, फिर ऐड 5,00,000। नहीं उसमें फिर आप शॉर्ट टर्म करेंगे, अगर आपको अर्जेंट चाहिए ना तो फिर आप शॉर्ट टर्म प्रोक्योरमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोक्योरमेंट में ये होता है कि आप निगोशिएट कर सकते हैं और फिर आपको यू हैव टू गिव स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट कि देयर वाज एक्सट्रीम अर्जेंसी। सपोज जिस तरह अताबाद अताबाद लेक एकदम ब्लॉक हो गया, रोड आधी दुनिया उधर रह गई, आधी इधर रह गए, बीच में सलाब वो पानी ऊपर चढ़ गया, रोड सारी बैठ गई। अब ऐसे जगह पे वी कुड नॉट गो फॉर टेंडरिंग, यू नो एज सच हमने कोई एक्शन लेना था ताकि लोग चलना तो शुरू हो ना, यू नो पानी इस तरह था कि बढ़ते ही जा रहा था ना, रोज का रोज बढ़ता जा रहा था क्योंकि आगे से उसका ड्रेन नहीं हो रहा था। वो बहुत बुरी हालात थे, पता नहीं आप लोगों के अंदाजा है कि नहीं, बहुत बुरे हालात थे, बड़ी दुनिया उसमें डूब गई है, बड़ा कुछ हुआ है, तो वो तो पता ही नहीं चला ना बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप है, इतना दूर है वो इलाका कि किसी को पता ही नहीं है। बड़े गांव उसमें चले गए, बड़े बागात लोगों के और बड़ी ज़मीनें चली गई और वो ड्रेन नहीं हो रहा था पानी और ब्लॉक होता जा रहा था और लेक बनता जा रहा था ऊपर, बढ़ता जा रहा था। उसको अब खोलने के लिए नीडेड समथिंग, तो फिर इसको अगेन वी कॉल्ड आर बजांस FWO और उनको बुलाया, उन्होंने कहा ओ यार इसका कुछ करो। हाँ बजांस है ना, पिजान आए और पिजान ने आके उसको ब्लास्टिंग की और वहाँ पर उसने फिर उसको ड्रेन दिया पानी को ताकि पानी निकले। तो अब उसमें से पानी निकलता है तो वो जो लेक है वहीं पे रुका हुआ है जहाँ तक है, उसे उभरने नहीं दे रहे उसके ऊपर क्योंकि पानी तो पीछे से रेगुलर आ रहा है, वो आ ही जा रहा है। एनीवेज तो ऐसे मौके पे आप कर सकते हैं, वो गैलप भी है, गैलप नहीं अब खत्म हो गया, गैलप नहीं है इसमें, गैलप नहीं मानता, पुराने जमाने की बात है ये, पहले गैलप होती थी। आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब टोल नहीं होता था, चुंगी होती थी। वो चुंगी भी तो होती थी ना, चुंगी पता आप लोगों को जहन में कभी सोच में भी नहीं आई होगी, लेकिन पुराने ज़माने में पहले हर ज़िले के बाहर एक बैरियर लगा होता था चुंगी सिस्टम, किधर अच्छा चुंगी, हाँ टैक्स, लोकल टैक्स अब लगा सकते हैं लोकल गवर्नमेंट पे, लोकल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ गई है नए लॉज में कि वो 2002 के बाद मेरे ख्याल से 2006 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, उसमें वो कहा था कि आप लोकल गवर्नमेंट जो है तहसील लेवल पे भी अपने जनरेशन के लिए फंड जनरेशन के लिए, हाँ जी जो लेके जा रहे हैं ना गुड्स लेके जाते हैं स्पेशली वहाँ पे होता है जहाँ से कोई सैंड या कोई ऐसी चीज़ निकल रही हो, आप सपोज़ किसी रिवर, आपका इलाका कोई तहसील जो है किसी रिवर बेड के करीब है, अब वो रिवर बेड तो किसी का नहीं है, वो तो स्टेट के बेसिकली, अब वो लोग वहाँ से रेत निकाली जा रहे हैं, अब स्टेट को तो वो देते नहीं है, सो दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप ऐसे जगह पे अपना बैरियर लगा देते हैं और कहते हैं कि जी जितना भी ट्रक गुजरेगा 1 टन वाला इतने पैसे देगा, 2 टन वाला इतने देगा, 2.5 टन वाला इतने पैसे देगा, तो वो फंड जनरेट करने के लिए, डेवलपमेंट फंड जनरेट करने के लिए ये सिस्टम है चुंगियों वाला। एनीवेज प्रोक्योरमेंट मैथड है जी, फिर एडवर्टीजमेंट बड़ा मस्ट है, मैंडेटरी अगेन, प्रोक्योरमेंट ओवर 100,000 प्लस ₹2 million ऑन अथॉरिटीज वेबसाइट फॉर ऑटोनोमस बॉडीज लोअर फाइनेंशियल लिमिट इज 500,000, आ गई आपकी 500,000, ठीक है ना जी, तुम लोगों ने इधर से पढ़ के बोला ना, मैं अल्लामा इकबाल बने हुए। एनीवेज जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें अमाउंट होगा 100,000 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक, तो आपने वेबसाइट पे दे देना है, अपनी वेबसाइट पे आपने अपनी वेबसाइट पे देना, और डेफिनेटली यू शेयर इट विद द पेपर एज वेल, आपकी जो महकमा है अपना जो भी है, अगर आप ऑयल के हैं, इंडस्ट्री के हैं, अगर आप अथॉरिटी हैं कोई सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं या और किसी किस्म की अथॉरिटी, तो आपने अपनी वेबसाइट पे भी देना उसको, और फिर प्रोक्योरमेंट ओवर ₹2 million अथॉरिटीज वेबसाइट इन 2 national dailies, फिर जब आप 2 million से ऊपर हो गया, 2 million means 20 लाख रुपया,
20 लाख रुपए से जब ऊपर प्रोक्योरमेंट होगी तो ऐसे मौके पे आपने अखबार में इश्तहार देना है। टू डेलीज मींस, डेली मींस डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, और वो भी वाइड सर्कुलेशन। ये नहीं कि आपने जसारत में दे दिया और मेरी दुनिया में दे दिया, मतलब ऐसा जो नहीं वहाँ पे बेच रहे होते उस पर नहीं देना, उस पर बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल माना नहीं जाएगा। ऐसी डेलीज कि जो कि वाइड सर्कुलेशन की होंगी, जो आपके हैवी न्यूज़पेपर्स हैं लाइक डॉन न्यूज़, दी न्यूज़, इनकी इंटरनेशनल लेवल पे और जो साइट्स पे भी, दरअसल वो वेबसाइट पे भी लोग अखबार पढ़ते हैं ना, बड़ी दुनिया वेबसाइट पे अखबार पढ़ती है, अमेरिका शमरीका में, और ये जो पाकिस्तानी जिसको ज़्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान से, वो पढ़ते हैं ना अखबारें। वो वाइड सर्कुलेशन वाली जो हैं वो सिर्फ वेबसाइट पे होती हैं, तो इसलिए उसका ये है कि वो वेबसाइट एंड टू नेशनल डेलीज, वन इंग्लिश एंड वन उर्दू, हैविंग वाइड सर्कुलेशन, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड्स के हैं जी, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, नेगोशिएटेड टेंडरिंग और कोटेशंस। जो आप पूछ रहे थे ना, अर्जेंट चाहिए यार, मुझे अभी चाहिए यार, बिल्कुल मैं मरने वाला हूँ, कुछ करो, हाँ सांस नहीं आ रहा, तो ऐसे मौके पे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि आपको जो लाइफ सेवर होता है ना, कई दफ़ा मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप यू कांट वेट इवन फॉर 5 days, यू नो, जिस तरह वताबाद का मैंने बताया कि यार यू कांट वेट फॉर लाइक 10 days, 6 महीने लग जाते इस प्रोसेस को टेंडरिंग के, मिनिमम इस बिडिंग प्रोसेस के टेंडरिंग को, इट टेक्स अराउंड 6 months इस सारे सिस्टम को, सारी सिचुएशन को बराबर करते करते। सो ऐसे मौके पे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं या फिर नेगोशिएटेड टेंडरिंग करते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं, जिस तरह हमने चाइनीज़ के साथ किया है कि आज हो भैया ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमारे रेट हैं, आते हो इस पर, आते हैं जी, आते हैं, ठीक है जी, डन। या फिर फाइनली कोटेशंस, अगर छोटा अमाउंट है तो आप कोटेशंस लेते हैं 4 जगह से, जिसका लोएस्ट है आप उससे ले लेते हैं कोटेशंस में। इसमें नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व करते ना अभी, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में आपको बताता हूँ ना, आगे चलें, ये देखें, देखिए आप उसमें मतलब कोई स्टैंडर्ड्स में होने चाहिए ना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये तो नहीं कि आप यहाँ से, मतलब है कि मैं उसको कहूँ कि यार इधर मां सही आ जाओ यार, मुझे ये सामान चाहिए 10 लाख रुपये का, नहीं तो मेरी जान जा रही है। अब साई के पास कुछ है नहीं अपना, और ही है ना, जान मौका दें ना, वो इतने कोने में घुस के बैठा हुआ है, तो गिर पता नहीं। अच्छा आ रहा है ना सर, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में देखो, वेयर स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फ्रॉम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर एंड ओनली वन मैन्युफैक्चरर सप्लायर एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब अब जिस तरह वो मैं पेविटॉल पेवाटो का जिक्र कर रहा था, अब उसकी एक ही टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में कहीं किसी के पास और फार्मूला ही नहीं है ऐसे मौके पर, तो आप क्या करेंगे, किस चीज़ की टेंडरिंग करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता ना। तो ऐसे मौके पे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। रूल 42 अब सी आपको अलाउ कर रहा है पेपरा का, सर कर्नल साहब आपको अलाउ कर रहा है ये। फिर नेगोशिएटेड टेंडरिंग में रूल 42D आपको अलाउ कर रहा है, ये पेपरा के साथ साथ सपोर्ट दे रहे हैं आपको ना, ये पेपरा ये चीज़ें मानता है, मतलब पेपरा अपना ही पेपर है ना, बाहर से तो हिंदुओं का पेपरा तो नहीं है, हमारा अपना, मतलब टू रन द शो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू रन द शो, ये शो चलता रहे, शो नहीं रुकना चाहिए, हिच नहीं डालनी कि नहीं जी मैं दिन मंदा, इस तरह नहीं करना, मतलब इट हैज़ टू बी, ये कि इसको मिसयूज़ नहीं करना होता, इसको मिसयूज़ नहीं करना होता। अगर आप बाय द बुक चलें तो फिर ये बिल्कुल ठीक लॉज है कि फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ रिसर्च एक्सेट्रा, अब कोई ऐसी रिसर्च है, कोई जियोटेक्निकल रिसर्च है, कोई ऐसी अर्थक्वेक के ऊपर कोई ऐसी रिसर्च है कि जब आपको एक्सपर्टीज, मतलब है कि बहुत रेयरिटी है ये, अब अर्थक्वेक जब से हमारा ये जलजला आया था लास्ट, तो उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और ये वो और दूसरा तीसरा और मटीरियल उसमें घुसना शुरू हो गए, उससे पहले कोई जाता ही नहीं था अर्थक्वेक वाले डिपार्टमेंट में, डिज़ाइन में भी नहीं कंसिडर करते थे। अब तो लिखते हैं कि 7.8 प्लस है जी, कोई इशू नहीं है, वो इधर अपार्टमेंट्स के ऊपर लिखा होता है, एड्स में लिखा होता है, सिस्मिक बन गए हैं, हर यूनिवर्सिटी में सिस्मिक पूरे स्टडी करते हैं। तो वो ऐसे चक्कर में आप कहते हैं कि जी नेगोशिएटेड टेंडरिंग होगी, आप नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक है ना कि फॉर टेक्निकल और आर्टिस्टिक रीजंस। अभी कोई आर्टिस्ट है सपोज, वो जिस तरह अब CMH में अगर आप जाएं FIC में, तो आपको पेंटिंग्स नज़र आएंगी बहुत, बाहर एक हार्ट भी बना हुआ है इस तरह, क्या अच्छा किसकी, बिल क्लेंजर वस्तु में, अच्छा गुड,
नेगोशिएटेड है बिल्कुल। तो वो आप देखेंगे ऐसी जगहों पे जब आर्टिस्टिक आ जाएगा ना, कोई आर्ट आ जाएगा, स्पेसिफिक चाहिए आपको कि एक चीज़ चाहिए कि वो आर्टिस्ट ही बना सकता है। जिस तरह फैसल मस्जिद के ऊपर जो चांद तारा लगा हुआ है वो भी आर्ट है ना, वो आर्ट है, वो मंसूर राय ने चढ़ाया हुआ उसके ऊपर, वो नहीं इसने, वो दूसरे नहीं जी साथ कैन नहीं, वो जो जिसको जिसका बेटा अजीब था, गुलजी का, वो गुलजी का आर्ट है ऊपर, उसने निगोशिएटेड था कॉन्ट्रैक्ट, उसने मुफ्त तो नहीं चढ़ाया, मतलब मुफ्त तो नहीं लगाया या बनाया, उसने निगोशिएटेड था, बिकॉज उसको पता था आवाम को कि इसके पास ये आर्ट है, यही काम कर सकता है, और उसने किया। तो इस तरह आप ऐसे मौक़ों पे निगोशिएट कर सकते हैं। फिर कोटेशन में आ गया, बिलो 100,000 अप टू ₹500,000 फॉर ऑटोनोमस बॉडीज, कोटेशन प्रोवाइडेड, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टैंडर्ड स्पेक्स, अपने स्टैंडर्ड स्पेक्स देते हैं। जिस तरह अभी मैं टायर की बात कर रहा था कि 250 साइज चाहिए, 250 उसकी जुड़ाई होनी चाहिए, रिम 14 होना चाहिए, और इतना उसका प्लाई होने चाहिए, 4 ply 6 ply जो भी है। तो वो ऐसे मौके पे आप स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, आपने स्पेसिफिकेशन दे दी, चार बंदों से आपने रेट ले लिए, जिसके लोएस्ट रेट हुए उसको दे दिया और कोटेशन कंप्लीट हो गई। ये तो इलीगल है, ये बस रनिंग द शो वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये इट्स नॉट लीगल थिंग ना, मतलब लीगली तो इट्स नॉट। पैकेजेस नहीं, पैकेजेस में आप अगर आपने एट द आउटसेट पैकेज बनाया हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन आप आफ्टर एग्जीक्यूशन कह रहे हैं इसको दो पैकेजेस में कर दो, तो फिर दैट इज इलीगल, मतलब दिमाग भी नहीं मानता ना। आपने एक कोई स्ट्रेच उसको दे दिया या कोई एक सर्विस एरिया दे दिया कि इसको थोड़ा रिहेबिलिटेट करो या रिफर्बिश करो इसको, तो उसने कर दिया और 2 million से ऊपर चला गया, फिर आप सब्सिक्वेंटली कहते हैं नहीं इसको आधा उधर कर दो, मस्जिद टॉयलेट इधर ले आओ और बाकी चीज़ें उधर ले जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। और मैं बिलिंग के लिए ये आप ये दिस इज़ रन ऑफ द मिल वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि आप सिस्टम को चलाने के लिए करते हैं, यार इसमें कौन लंबियाँ लगाएगा, उधर जाएगा, उसके पास जाएगा, फिर उधर से अप्रूवल के लिए फलाने के पास जाएगा, इससे बेटर है कि तू दो उसको स्प्लिट कर ले, और वो ये तो मानो अंदर की गेम है, ये आपस की बात है, आपस वाली बात है, अदरवाइज इट्स नॉट लीगल। पेटी परचेजेस, अच्छा पेटी परचेजेस भी होती हैं, उसमें यू डोंट हैव टू हैव, जिस तरह आप स्टेशनरी लेते हैं, स्टेशनरी या पेटी परचेज है, उसमें आपने पेन लेने हैं, इंक लेनी है, जो पेपर लेने हैं, ठीक है, और वो लेने टोनर लेने हैं, ठीक है, प्रिंटर्स के लिए, फोटोस्टैट मशीन्स के लिए, तो ऐसे वो पेटी परचेजेस में आती है, उसकी आपको कोटेशंस की भी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे गो टू द मार्केट, फेच अ बिल, पे द अमाउंट और कम बैक। रनिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनको कहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट, रनिंग, पेटी, व्हाटएवर, जो भी आप नाम देना चाहें उसको। अच्छा जी, पेपर रूल्स के और क्या की पॉइंट्स हैं जी, कि इंटेग्रिटी पैक्ट फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स बियॉन्ड रुपीज 10 million, 10 million कितने हो गए जी, 1 crore रुपया। स्पेसिफिकेशंस टू बी जेनरिक, दैट इज नॉट टू बी वेंडर ड्रिवन, आपने ये नहीं कहना जी कोटेशन चाहिए जी डेबू कंपनी से, या हम बिडिंग चाहिए जी डेबू कंपनी से, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, स्पेसिफिक नहीं होगी, जब बिटिशन कंपटिशन डालेंगे तो फिर ओपन करेंगे, ओपन बिड डालेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस नॉट अलाउड, आप ऐसी कंडीशन नहीं डाल देंगे कि अगले की मुसीबत ही बन जाए कि या जी आपका जो जनरल मैनेजर होगा ही शुड बी क्वालिफाइड फ्रॉम हार्वर्ड, यार मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, मेरे पास सारे इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, यूके ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए हैं, सारे कंस्ट्रक्शन लॉ में मास्टर्स हैं, तुम कह रहे हो हार्वर्ड से लेके आओ, आप अपनी डिस्क्रिमिनेटरी डाल दी ना, डिस्क्रिमिनेशन डाल दी कि जी ये रिक्वायरमेंट है हमारी जी, कि आपका जो जीएम होएगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होएगा वो हार्वर्ड का पढ़ा होना चाहिए, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, हार्डशिप डाल दिया आपने, हार्डशिप नहीं डालनी इस तरह की चीज़ें, समझ रहे हो, डिफिकल्टी नहीं डालनी। बिड एवेल्यूएशन में कहता है फेलियर टू अनएम्बिगुअस क्राइटेरिया अमाउंट्स टू मिस प्रोक्योरमेंट, अब अनएम्बिगुअस क्राइटेरिया अमाउंट्स टू मिस प्रोक्योरमेंट, आपने एक ऐसी बिड डाली कि वो समझ ही नहीं आ रही कि ये बिड है कि बिडर है कि क्या चीज़ है, ये कहाँ से ले आया है, किस चीज़ की अमाउंट दे रहा है, पैसे कैसे दे रहा है, कोई बिड इज नॉट क्लियर, जब बिड इज नॉट क्लियर तो वो मिस प्रोक्योरमेंट में चली जाती है, वो प्रोक्योरमेंट ही ख़त्म, मिस प्रोक्योर हो गई, ठीक है, उसको दोबारा रीबिड करना पड़ेगा, जब ऐसी बिडिंग ऐसा कोई बिड आ गया तो उसको मिस प्रोक्योर
ट्रीट किया जाएगा. क्लैरिफिकेशन इज नॉट टू एल्टर द ब्रेड. वो जो जिसने मिस किया वो फारिग हो गया ना, वो फारिग हो गया. अगर दो मिस हो गए तो फिर तो आप ऐसे मौके पे आप कहते हैं कि तो आप फिर ऐसे मौके पे कहते हैं कि यार ये तो कोई कंपटीशन ही ना हुई ना, लेट्स गो अगेन. तो फिर आप दोबारा उसके लिए जाते हैं क्योंकि कंपटीशन है ना. बेसिक इज ओपननेस, ताकि लोग आए आपके पास, ज्यादा लोग आए और ज्यादा कंपटीटिव रेट दें. अभी पहले हमारे पास एक स्टेज थी कि लोग इंजीनियर एस्टिमेट से अबव जाते थे. अब ये स्टेज आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह के इंजीनियर रेट से 20% बिलो जा रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं. हाँ, हैं परफॉर्मेंस की इशू होते हैं. बेसिकली उसमें डिलीजेंस की बात होती है. जो पार्टियां डिलीजेंट होती है ना, डिलीजेंट, जो हार्डशिप, वर्कमैनशिप, डिलीजेंट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मैं आई विल गेट इट कॉपीड एंड सॉरी उसका नाम है रीटा. मैं कॉपी करके फिर आपको किधर दे दूं? नीचे कंप्यूटर कर्नल साहब दे देंगे आपको. ये बाद में, सॉरी, ये आपकी पीएचडी के स्टूडेंट है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, स्क्वाड लीडर साहब इधर ही पढ़ते हैं पीएचडी में. एनीवेज, तो ऐसे मौके पे अनएम्बिगुअस, इट शुड बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. अगर क्लियर नहीं है तो फिर इसके बाद वो मिस प्रोक्योरमेंट में चली जाएगी. सब्सिक्वेंटली कहते हैं क्लैरिफिकेशन नॉट टू अल्टर द बिड. अगर आपने कोई क्लैरिफिकेशन, बिड को अल्टर नहीं करेंगे आप. एक दफ़ा आपने कोई बिड दे दी, आप कहेंगे नहीं नहीं सर मेरे से गलती हो गई है, मुझे मौका दें जरा रबर में ला के. नो, यू कैन नॉट. वंस यू डिड इट, यू रोट इट, इट्स नाउ खत्म एंड फिनिश्ड. सो बिडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शाहजी. अगर आप बिडिंग में थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, यू लूज. तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को समझना उसको, और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले रफ बनाते हैं, हमेशा रफ बनाते हैं. आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स पहले रफ करते हैं, उसको क्रॉस चेक करवाते हैं, क्रॉस वेट करते हैं, फिर उसके बाद आप फाइनल बिड डालते हैं कि अल्लाह जी ऑन बिड तैयार है. सब कुछ इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स और ये सारी चीज़ें उसमें आपको दे रहा होता है ना, तो आपके पास सारा कुछ होता है. स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइंस, ड्राइंग्स, करना क्या है, कैसे होगा, क्या टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम क्या है, आपको पेमेंट कैसे होगी, हर चीज़ का उसका पूरा इंतज़ाम होगा. इस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का काम है सारा, ही रन्स द शो ना. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर ने कराना है फ्रॉम द कंसर्न्ड विंग्स. मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर तो एक मैनेजर है ना, ही इज मैनेजिंग थिंग्स, ही इज जस्ट यू नो रिमाइंडिंग द पीपल कि भाई टेक्निकल वाले तुम टेक्निकल देखो, फाइनेंस वाले तुम फाइनेंस के रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले तुम फलाने के इंस्ट्रक्शन के, डिज़ाइन वाले तुम डिज़ाइन के रिस्पॉन्सिबल हो. इन सारी चीज़ों को जब एम्बलगमेशन होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर करेगा, ठीक है ना. ये बिडिंग शेडिंग डॉक्यूमेंट्स को ओवरसी करना, क्रॉस वेट करना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का काम है. नींद आ गई है आवाम को, थक गए, 3 बज गए हैं. अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, रोज बजते हैं. अच्छा, सिंगल बिड में भी एक्सेप्टेड कहता है, सिंगल बिड में भी एक्सेप्टेड. अच्छा, बिड निगोशिएशन नॉट अलाउड, जो हम करते हैं. अब ये भी ऐसी चीज़ है कि जो हम बिड निगोशिएट करते हैं, डिस्पाइट के पेपरा कहता है कि नहीं करनी बिड निगोशिएट. आपने बिड दे दी कि मैं ये काम 1 करोड़ रुपए में करूँगा, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं यार पिजान 90 लाख में कर दो. निगोशिएट करने शुरू कर दो कि यार मैं तुम्हें पेमेंट जल्दी करनी शुरू कर दूँगा, मैं तुम्हें इमोबिलाइजेशन एडवांस 5% और बढ़ा देता हूँ, यू नो 20 की जगह 25 दे देता हूँ, लेकिन तुम 90 में कर लो. तो ये निगोशिएट करना शुरू हो गया. तो कई दफ़ा निगोसिएशन करनी भी पड़ जाती हैं, इन अ सेंस अलाउड नहीं है सच, मैं एक जनरल एक बात कर रहा हूँ आपको, जो एज अ मैनेजर प्रैक्टिकली जो हो रहा है या होना चाहिए. या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर को अपना देखें, आपने तो अपने एम्प्लॉयर का ख्याल करना है ना. तो आप कहते हैं कि यार इसने वाकई रेट्स थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं, ठीक है, लोएस्ट है, ओपन कंपटीशन था, लोएस्ट है, लेकिन फिर भी इसके रेट्स ज़्यादा हैं. तो आप उसे कहते हैं कि यार देख ऑप्शन है, या तो मैं मिस प्रोक्योरमेंट में चला जाऊँगा वापस, डराते हैं ना आप उसको, मैं तो वापस चला जाऊंगा. हाँ, रिबेट इज द राइट वर्ड. इन फैक्ट वो रिबेट जो नेगोशिएशन में ना, फिर वो रिबेट देता है, वो कहता है ठीक है जी मैं आपको रिबेट, लेकिन उसके बदले में आप उसको जरूर कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं. इस तरह के एंगल दे रहे होते हैं कि मैं किसी साइड से आप
उसको कम कर लेते हैं एग्जैक्टली उस तरह कर लेते हैं और वो निगोशिएट हो जाता है, निगोशिएट होता है और आप उसको कोई ना कोई तो अपने एंगल उसको देना होगा ना फिर उसको बराबर करने के लिए. दिस इज इन फैक्ट अ सेविंग. हाँ एक मिनट. हाँ करता है कि यार इसमें महीने का जो प्रोसेस है उससे हाँ ऑफर देता है कि देता है और हम उसे कह देते हैं अगर तुमने जल्दी कर दिया तो हम तुम्हें 5% ऊपर प्रीमियम दे देंगे. मतलब इस तरह की नेगोशिएट करते हैं आप. आपका आप वाला जो एंगल है ना वो थोड़ा कम इस्तेमाल होता है कि इधर से तुम जी उधर ही है फायदे में तो वो राइट क्योंकि दूर होती है ना जगह बहुत दूर दूर है. इस्लामाबाद से हाँ अच्छा किलोमीटर एज मिल जाता है. बिल्कुल यही बात है. जा रहे हो तुम घर जाना है बाकी आप लोगों ने किधर जाना है? नहीं मैं तो कहीं और मैं सर्कस पे जाना है मैंने. हाँ हाँ वो जूते घर रह गए हैं खेलने वाले. जा तू अल्लाह के वाले हो अटेंडेंस लग गई है ना. चलो जी पैसे पूरे हो गए. ओके जी अल्लाह हाफिज. बस हम भी फारिग होते हैं. Lowest. Because देखिए ना आपने आउटसेट पे उन्हीं लोगों को प्री क्वालिफाई किया है कि जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज थी. मतलब आपने कोई लल्लू पंजू तो नहीं पकड़े हुए ना कि आके किसी ने इस तरह दे दिया. आपने प्री क्वालिफाई की है ना पहले. अच्छा सॉरी तुम नहीं थे ना लेट आए हो उस तुम पढ़ लेना उसको. जी मिसप्रोक्योरमेंट वो उसकी वजह से अब क्या है कंपनीज जो हम अनबैलेंस्ड करती हैं. ऐसे लोग करते हैं लोग ऐसे करते हैं ऐसे में हम तो उसको मिसप्रोक्योरमेंट में डाल देते हैं कि नहीं यार इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. इंजीनियर एस्टीमेट से आप 50% नीचे चले गए. हाउ कैन यू डू दैट. सेकंड लोएस्ट उठा लेते हैं. सेकंड लोएस्ट उसको फॉरेक्ट कर दिया. सेकंड लोएस्ट का निगोशिएट कर लेते हैं. उसको कहते हैं भाई आ जा. As such, yes, indeed, it is. पेपर उसको अलाउ कर देता है. बिकॉज देखें प्रोजेक्ट डिले होता है ना प्रोक्योरमेंट से. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बहुत लंबा है. फिर वो आप कोशिश करते हैं यार एक बंदा जो है जिसने इस तरह की हरकत कर दी है जो कि इंजीनियर एस्टिमेट या जो एस्टिमेटेड है वॉट एवर उससे भी 50% नीचे चला गया है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. रेंट पे पर डे ओहो. अब ये दिस इज मिस प्रोक्योरमेंट कि दो इसको कहते हैं 2 साल से कर रहे हैं करते हैं ना. तो कहने का मकसद ये है कि ये अंडा खाते हैं ना. मकसद ये है कि वो जो $2500 की जो मशीन दे रहा है वो 25 रुपये की भी नहीं है या 2500 की होगी. 2500 रुपीज़ पे जानी चाहिए थी. वो $2500 पे लगाई हुई है उन्होंने. ये भी तो गेम है ना. ऑयल वालों ने तो अंत मचाई हुई है ना तुम्हारे ख्याल में. हाँ रेट ही ऐसे है. तुम्हारे सोच है इन लोगों की तनख्वाहें कितनी है. तुम छलांगे मारो. हाँ हाँ तुम्हारी सोच है.
ये तो अभी चलो थोड़े जो जूनियर हैं जो इनके साथ ऊपर बॉसेस हॉसेस हैं वो तो मतलब है कि इस चक्कर में होते हैं यार कौन सा हेलीकॉप्टर खरीदें, हाँ जहाज़ कौन सा लेना चाहिए, जेट लूँ, नया मॉडल आया कोई उसका, इस तरह की बातें करते हैं। तुम्हारी सोच है यार घर बनाऊँ फार्म उसमें ए स्ट्रिप होनी चाहिए अपनी, इस तरह की बातें करते हैं। तुम्हारे एक लेवल ही हो रहा है पर मतलब सीन ही हो रहा है कि बाथरूम अच्छा जगूजी कहाँ से, फ्रांस से मंगवाया जाए, नहीं नहीं अच्छा चलो इस तरह करते हैं यार आजकल हुआ है ना कि घर घर आजकल हुआ ऑनेस्ट टू गॉड दिस इस तरह सोचते हैं कि यार छत पे होना चाहिए जकूजी या बाहर लॉन में होना चाहिए जकूजी, मतलब यही लेवल है। अच्छा स्विमिंग पूल बेसमेंट में बनाया जाए या फर्स्ट फ्लोर पे बनाया जाए, मतलब इस तरह की लेवल ना होता है छत पे है ना लोगों के लॉन में जगूजी में बैठे हुए पार्टी हो रही है वहाँ पे। ऑनेस्ट टू गॉड इस बहुत खौफनाक लेवल है, बहुत खौफनाक स्ट्रिप्स हैं अपनी यार, मतलब अमरीका शमरीका में और कैनेडा शनाडा में जो अपने पाकिस्तानी जो बात कर रहा हूँ उनके अपने घरों की स्ट्रिपें बनाई हुई हैं, अपने जहाज उड़ा रहे हैं। बहुत उनकी है ना, हमारे साथ के लड़ोगे ना, गप गप 25-30 लाख एवरेज नॉर्मल एम्प्लॉय 25-30 लाख रुपया, वो भी एक महीना छुट्टी एक महीना काम, सुकून की जिंदगी। पर ये क्या फिर मरते भी हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, फिर वो उसमें कार्बन और ये और वो और फिर मौत भी बड़ी सख्त है ना इनकी, जो लाइफ रिस्क पे है यार, नो डाउट अबाउट दैट। और इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ यू नो, ऑफ शोर आप बैठे हैं बेशक आप दुनिया की हर नेमत वहाँ पे आपको मिलती है और हर आसाइश मिलती है और हर खाने की चीज़ मिलती है, लेकिन आप ना एक बिल्कुल मिलती है सिटी मारो मिलती है लेकिन ये मिजरेबल है। लेकिन ये भी पूछो ना इससे कि बंदा जब छुट्टी का इनका टाइम आता होगा तो ये एड़ियाँ रगड़ के सर रेडी खड़े होते हैं ना कि कब जाना है, कौन सी भागो यार, इस तरह वापस आते हैं। तो तुम लोग तो मिस यूज कर रहे हैं ना, हालात ऐसे हैं, इंडस्ट्री के हालात ऐसे हैं, बुखार पर राजी कर लेते हैं, इस तरह ही है बिल्कुल ऐसे। अब तो इनको मिस यूज कर रहे हैं सारों को, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है और वो भी कह रहे हैं निकाल बोत रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा। तो शुक्र करो तुम लोग जॉब पे हो अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज सिंगल बेड में भी एक जा रहे हो तुम, अच्छा सामान तो इतना बांध लिया तुमने सवा तीन हो गए आगे। अच्छा सिंगल बिड में भी एक्सेप्टेड जहाँ पे ये सिचुएशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिड इज नॉट अलाउड। अब वो जो आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि जी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रजिस्ट्रेशन की, एनी बॉडी कैन कम। प्री क्वालिफिकेशन जो हो रही है ना, PQC लगाते हैं आप प्री क्वालिफिकेशन, कि आपको पता चले, आप एम्प्लॉयर को पता चले कि कौन कौन मेरे पास आया है, जो उसकी मर्जी के लोग होंगे उनको क्वालिफाई कर लेगा, जो उसकी मर्जी के नहीं होंगे उनको क्वालिफाई नहीं करेगा। पॉइंट सिस्टम है हर चीज़ का, पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स के साथ चलते हैं, और शॉर्ट गैलप और टेंडरिंग जो है खत्म हो गई है, जो आप गैलपिंग वाला कह रहे थे। आई सपोज दिस इज एनफ फॉर टुडे, बिकॉज इससे पहले कि आप लोग मुझे मारना शुरू कर दें तो मैं घर ही चला जाऊँ क्योंकि आपने भी जाना है। और ऑल्दो कि वी वर लेट इन टाइम, वी कुड हैव स्पेंट अनदर हाफ एन आवर, लेकिन चलें वी स्टार्ट दिस फिडिक थिंग अगले उससे, ठीक है, फिडिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रह गया, इसको इंशाल्लाह अगले में ख़त्म कर लेंगे। और ये अच्छा, इट्स बेटर थिंग है ना, बेटर है ना, आज का लेक्चर ठीक था ना, गुड एनाफ। इसमें से फिर मैं ये ख़त्म करके तो फिर क्विज डाल दूंगा, उस क्विज में इंशाल्लाह मैं आपको कंपनसेट करूंगा। तुम लोगों के पर्चे का क्या होगा सर, ले रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ मैंने तो कर दी, मैंने तो पूछ रहे थे क्या करना है, मैंने कहा एनी टाइम क्यों नहीं करना, दो उनको पेपर। असाइनमेंट कोई नहीं, क्विज ही कर लो, क्विज कर लो ना, उसके पास पड़े हुए जी, मेल किए मैंने उसने क्विज, आपको नहीं किए, किए ना मैडम, तो तुमने देखी नहीं मेल, मेरे पास टाइम ही नहीं है, किए मैं तो मेरे सामने उसने मुझे, मेरे पास शायद उसकी सीसी हुई थी, मुझे मेल कर दे, नहीं तो टीए को दे दो, उसको टीए को दे दो, बाकियों को भी बता देना जो नहीं आए हुए, दो और भी हैं ना आपके साथ, ठीक है ना,